हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास सेवेंथ की मैथ्स की वर्कशीट 2 और आज हम रिवाइज कर रहे हैं हमारा टॉपिक फ्रैक्शंस, यानी जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं ना, हम उसे रिवाइज करेंगे। तो फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं? जहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर, यानी हम डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं उतने इक्वल पार्ट करते हैं एक होल ऑब्जेक्ट के, और न्यूमरेटर में जो नंबर है उतने पार्ट्स हम शेड कर देते हैं या उतने पार्ट्स हम ले लेते हैं। तो फ्रैक्शन में हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जहां हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अपोजिट, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इज 8 इज ग्रेटर देन 5, तो यानी यहाँ हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। और जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को डिवाइड करके होल पार्ट और फ्रैक्शन नंबर के कॉम्बिनेशन में लेकर आते हैं तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ सर्कल में जो हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें क्लासिफाई करना है कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर एंड विच वन इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ 1/3, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स 1/3 आ गया यहाँ। नेक्स्ट 3 and 3/5, एक होल नंबर और एक मिक्स हमारा फ्रैक्शन नंबर, इनका कॉम्बिनेशन, तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी 3 and 3/5। 5 and 3/7, अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन, यहाँ गया। 3/15, तो हमें चेक करना है न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो 3/15 आ गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5/9, अगेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/3, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/3, अब इस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करें तो विच वन इज ग्रेटर, गुड, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, देयरफॉर इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8/5, जल्दी चेक करो, बताओ कैसा फ्रैक्शन है ये, गुड, 8/5 इज आल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड व्हाट अबाउट 6? 6 के लिए अब क्या करेंगे, 6 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 दे देते हैं, और अब इसे कंपेयर करो तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ये। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पर फिगर्स जो हमें दिए हुए हैं, इन फिगर्स को हमें स्टडी करना है और बाकी टेबल को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर 1 होल ऑब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली कलर्ड है, तो 1 तो कम्प्लीट हो गया, और सेकंड वैसा ही एक ऑब्जेक्ट है जिसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 3 पार्ट्स जो हैं वो कलर कर दिए गए, यानी 1 तो कंप्लीट है, सेकंड वाले पार्ट में 5 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से 3 कलर्ड हैं, यानी 1 and 3/5। तो सेम हमें स्टेप्स जो हैं यहाँ दूसरे फिगर्स में फॉलो करने हैं। अगेन 1 सर्कल जो है वो हमारे पास कम्प्लीट है तो 1 हो गया। सेकेंड सर्कल में हमें 8 इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं और उसमें से शेडेड कितने हैं, 1, 2 and 3, तो 1 and 3/8। नेक्स्ट फिगर, अगेन 1 कंप्लीट है, सेकंड फिगर में कितने इक्वल पार्ट्स हैं जल्दी से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आ गया 6, और शेडेड पोर्शन, गुड, 4, तो ये हो गया 1 and 4/6। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ इस बार हमारे पास 2 कंप्लीट होल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स कम्प्लीटली कलर्ड हैं, तो 2 तो हमारे पास कंप्लीट आ गया, और थर्ड वन में कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इक्वल पार्ट्स, और कलर्ड पोर्शन 3, यानी 2 and 3/5। तो इस तरह हम फिगर्स से भी मिक्स फ्रैक्शंस में ला सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शनल नंबर्स को फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे फ्रैक्शन नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। तो ये है एक एरो वाला गेम, जैसे जैसे एरो में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हमें उसे फॉलो करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले है 2/7, माइनस करना है 1/7, यानी 2/7 माइनस 1/7,
दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं और हमें पता है व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम तो हम नंबर्स को सिंपली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये न्यूमरेटर को माइनस किया तो आ गया 1/7। अब इस 1/7 में 6/7 जो है वो हमें ऐड करना है। तो अगेन न्यूमरेटर्स को ऐड किया, हमें मिल गया 7 और अपॉन में 7। डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं करना, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। अब 7/7 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 1 और उस 1 में से भी हम -1 कर दें तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर आ गया 0। अब हम ऊपर जो है यहाँ एरोज जो है इंस्ट्रक्शंस इनको फॉलो करते हैं। 2/7 + 3/7 तो डिनोमिनेटर तो 7 ही रहेगा, न्यूमरेटर्स को ऐड किया 2 + 3 = 5। 5/7 - 1/7 अगेन डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर में 5 - 1 किया तो मिला 4 एंड 4/7 में से 4/7 सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनल आंसर आ गया अगेन 0। तो हम यहाँ से गए चाहे हम यहाँ से गए, हमारा फाइनल आंसर जो है वो 0 ही आया। अब आगे देखिए क्या है आगे। अब हमारे पास हैं कुछ रूल्स इस गेम को खेलने के लिए। गेम दिया है एडिंग सेम साइन, ऐड एंड कीप द साइन। अगर हम सेम साइंस को ऐड कर रहे हैं यानी माइनस माइनस को ऐड कर रहे हैं या प्लस प्लस को तो हमारे पास फाइनल आंसर में भी सेम वही साइन रहेगा। एडिंग डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्ट करो लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को और लार्जर नंबर का जो भी हमारा साइन है वो फाइनल हो जाएगा। यानी माइनस प्लस में जो बड़ा होगा वो फाइनल आंसर में आ जाएगा हमारा, और बड़े में से छोटा जो भी बड़ा है उसमें से हम छोटे को माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाइंग सेम साइन पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लाइंग डिफरेंट साइन नेगेटिव नंबर। अगर हम सेम साइंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल आंसर पॉजिटिव है, प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। यानी सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हमारे अपोजिट साइन है तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। तो रूल्स को फॉलो करते हुए स्टार्ट करते हैं गेम को। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट -47। -47 में -23 हमें डालना है। सेम साइन है तो साइन माइनस का ही रहेगा और इसे ऐड करके हमें मिल गया 70। फिर -40 अगेन सेम साइन, यानी ये यहाँ रहा और ये हो गया 110। आप -110 एंड +60 अपोजिट साइन है, विच वन नंबर इज़ लार्जर? 110, उसमें से 60 को माइनस कर देंगे तो 50 मिला और बड़ा नंबर है 110, उसके आगे साइन है माइनस का तो माइनस का साइन दे दिया। यहाँ ये ब्रांच कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं वापस 70 पे। -70 + 90 तो अगेन डिफरेंट साइन, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया और बड़े नंबर का साइन लगा दिया यानी +20। अब +37 दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं तो ये आ गया 57, वो भी प्लस का। 57 - 47 तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? 10 और बड़ा नंबर प्लस है तो ये भी प्लस हो गया। +10 + 37 मीन्स +47। अब इसमें से 27 माइनस करना है तो हमें मिलेगा प्लस का 20। अब 20 को 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन ही दिया हुआ ना वो लगा लेंगे हम। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमें मिला 40 और प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है और मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट साइन में हमेशा नेगेटिव साइन ही आता है। और -40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो हमेशा आंसर वही रिपीट होता है तो -40 आ गया। अब इस ब्रांच में आ जाते हैं 57 - 77 तो फिर बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया और बड़ा नंबर जो है वो 77 है, उसके आगे माइनस का साइन तो ये भी माइनस हो गया। -20 को 4 से मल्टीप्लाई किया -80, फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 × 3 = हो गया 240 और माइनस का साइन। अब यहाँ देखें हम 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -240 मिल रहा है और यहाँ भी हमें -240 मिल रहा है, यानी हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमने गेम को अच्छे से खेला और हम जीत गए। तो फटाफट आप इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। तो मिलते हैं
एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।